मैंने ही इसे हटाया था और अभी मैं ही इसे वापस रख रहा हूँ। जिंदगी में भरोसा अपने हाथ से निकला तो सबको ये करना पड़ेगा, मन माने या ना माने, लेकिन विश्वास के लिए ये करना ही पड़ेगा। तुझे आश्चर्य लग रहा है ना, अभी हुई मैच में मैं गिर गया था उसका कारण भी यही है। मैं समझ गया था, मैं अपने शौकत से मिला था। मैं एक डॉक्टर हूं, मुझे किसी भी कारण से डायग्नोसिस या किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है। शौकत जब इन्वेस्टिगेशन के लिए आए तो मुझे कंफर्म हो गया, मौत वो मेरे सामने घूम रही है। विधि कहो, भगवान की इच्छा कहो, जो भी कहो, जो होना है होके रहेगा। अभी मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही है, मेरी रम्या। अगर मैं चला गया तो हे, फालतू में दिमाग मत खराब कर, हर चीज के लिए रास्ता मिलता है। शौकत ने तुमसे क्या कहा है? ट्रेस आउट ना करने से मेरा सवाल सिर्फ एक ही रोग पर है, समझ नहीं रहा क्या करूं। अभी मैं एक ऐसे रोग के सामने खड़ा हूं जिसका कोई इलाज ही नहीं है दुनिया में। आई काउंट माई डेज अनु। ये मीटिंग के बारे में रम्या को पता नहीं चलना चाहिए। तुम लोग ऐसे ही रहना जैसे तुम्हें कुछ पता नहीं, ये ड्रामा चलता ही रहना चाहिए। अगर रम्या को ये बात पता चल गई तो वो ये सहन नहीं कर पाएगी। सुनो, तुम मुझे एक वादा करो, मेरे जाने के बाद रम्या अकेली नहीं होनी चाहिए। आज मुझसे वादा करो तुम उसका ध्यान रखोगे। वापस अक्टूबर 12th, पहली बार सुना तो मैं भी शौक हो गया। मैंने हमेशा से जो बात चाही थी वही उसने भी की, रम्या। नहीं, मैं सवाल करना चाहता हूं आपसे, अचानक सर की शक्ल में खुशियां कैसे दिख रही हैं? हे, ऐसा कुछ नहीं है। सर, कहीं कुछ गड़बड़ है क्या? सर, मैं दारू पी के बात कर रहा हूँ ये मत समझना। आप तो जानते हैं ना कि बॉल ग्राउंड में हो या चाहे जहाँ हो, अब गोल तो करना ही पड़ेगा ना सर। अब गांव वाले तो कुछ नहीं बता रहे हैं, अब लोगों को बोलने से आखिर फायदा ही क्या है सर। मैं भी चलता हूँ सर। वैसे एक रिक्वेस्ट है सर, मेरी अभी बताई बात को वहाँ जाके बिल्कुल भी मत कहना कि मैंने ग्राउंड में बॉल से कितने गोल किए या नहीं। हाँ सर, सर का खाना मैं अंदर रख दिया हूँ, ठीक है, बर्तन सुबह लेकर जाऊंगा मैं आकर। सर, फिलहाल मैं ये बोतल लेकर जा रहा हूँ। सर,
एक मदद की जरूरत है। सुरराग की बात करने के लिए आपका फोन चाहिए मुझे सर। मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है सर। किसकी बात कर रहे हो तुम? सर मेरे लवर्स को सुलाने के लिए सर। अय्यप्पन को अरुआ राग हो तो मेरी लवर्स को मेरी सर राग सुनकर सोएगी। थैंक यू सर। जस्ट टू कॉल्स मतलब 5 कॉल्स। इधर आओ ना। नहीं, तुम पागल हो गई हो रम्या। मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। अपने पति से नफरत करने के लिए तुमने ये रास्ता चुना? ये चल रहा था तुम्हारे मन में? छे, तुम उसे नहीं जानती हो क्या? मैंने सोच समझ कर ये फैसला किया है। संतोष आएगा और मैं उसे मिलूंगी। उसके बाद क्या? फॉर व्हाट? मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है अनूप। मेरी मन की पसंद के बिना की गई शादी को मैं शादी नहीं मानती। जिंदगी एक बार मिलती है अनूप, मैं ऐसे बर्बाद नहीं कर सकती उसे। पति को धोखा देकर तुम अपने पुराने बॉयफ्रेंड के चक्कर में रहोगी, ये उसको यकीन नहीं था। बिल्कुल यकीन नहीं था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ। यू आर सो चीप। जब तक मैं जिंदा हूँ ये नहीं होने दूंगा। मेरी बात याद रखना। बिजनेसमैन, आपके केरला यात्रा के बारे में कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन सर? इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। स्मार्ट सिटी एलिगेशन में अपोजिशन पार्टी आपके खिलाफ आवाज उठा रही है, इसके बारे में कुछ कहना है? मैंने गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी अंडरग्राउंड बिजनेस नहीं किया है, ये सब झूठ है। तो आपका इस बार यात्रा के बारे में क्या कहना है? दो काम है। एक, कोचीन में होने वाला फुटबॉल मैच और मैंने खेली टीम को खुद सामने से देखना चाहता हूँ, और दूसरा हम बाद में बात करेंगे। आपकी इस बार की यात्रा में एक मिनिस्टर को भी ना मिले ऐसा स्वागत मिला तुम्हें। एक्सक्लूसिव प्रेस मीटिंग, फोटो सेशन, गुड। मीडिया को तुम्हारी तरफ खींचने वाला मैनिपुलेटर हो तुम। मैं बहुत लोगों की आंख में धूल झोंक कर यहाँ पहुँचा हूँ, बहुत मुश्किल काम है। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट से संतोष वर्मा बिजनेस मैनेजर बनने में कभी नहीं आ रहा हूँ। 6 बॉल मिला सिर्फ एक बेस में, समझे? दिस इज डिपेंड ओनली करेज, दैट इज फुटबॉल। टेल मी What is going there? उस दिन आपसे हुई बातों के बाद एक्सीडेंट स्पॉट से राम्या को अस्पताल आने के लिए उस वक्त मैंने ही कॉल करके बोला था। मेरे कैलकुलेशन में राम्या आएगी सोचा था। वेल्थ एंड ऑपरेशन, कार के सामने क्रिएट किया एक्सीडेंट, रिजल्ट के हिसाब से हॉस्पिटल में आई बॉडी डिलीट की ही थी, मगर एक गलती हो गई। वो वैन अभी दिलीप की है। What do you mean? ये प्रोग्रेस सामने लाने के लिए मैंने एक छोटी सी मीटिंग अरेंज की थी। For what? वक्त आने दो, मैं बताऊंगा।